हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत सुबह वीडियो बना रहा हूँ। अभी तकरीबन 5:30 बजे हैं और मैं जब फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं अपने रूम में चाय बना रहा हूँ, चाय बना के नाश्ता करता हूँ, फिर करता हूँ। उसके बाद में मैं कुछ टाइम आराम करूँगा, फिर 8 बजे से मेरी ड्यूटी है। दोस्तों, आप लोग का मेरी यूट्यूब पे चैनल पे बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिल रहा है। जैसा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है मेरे भाई दोस्तों का, भाई बहनों का, उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। दोस्तों दोस्तों मैं ड्यूटी जाऊंगा, उसके बाद में मुझे मार्केट जाना है। अगर टाइम मिलती है तो मैं मार्केट जाता हूँ। दोस्तों, मुझे अपने लिए सामान लेना है रूम का। मैं तो कल से ही इंतज़ार कर रहा हूँ मार्केट जाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रही है दोस्तों। लेकिन आज कोशिश करके जाऊँगा दोस्तों। दोस्तों, अभी बज रहे हैं 9:05 और आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं ड्यूटी से आ गया हूँ। आज मैं ड्यूटी गया ही नहीं हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैं सुबह 7:30 बजे से अपना रेडी होकर इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ना तो कुछ फ़ोन आया, ना कुछ। पहले से कुछ पता ही नहीं रहता है लोग के यहाँ कि जाना है या नहीं जाना है। वैसे मुझे शाम को शक हो गया था, क्योंकि इसकी बड़ी बहन आई थी तो 12 बजे रात तक जो है कभी जूस वाले के यहाँ, कभी चिकन शोरमा वाले के यहाँ दौड़ाती रही, तो मुझे शक था। लेकिन ये लोग, इसकी जब ड्यूटी नहीं रहती है तो जब इसकी बहन आ जाती है तो कहीं ना कहीं लोग बाहर मार्केट में, मॉल में, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं दोस्तों। लेकिन सुबह उसके बच्चे का मदरसा था तो इसलिए उसको कहीं, वो कहीं गई नहीं। और दोस्तों, मुझे मार्केट जाना जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो है रूम का सामान ख़त्म हो गया है, वो भी लाना है। और मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ मार्केट से जाके लेके आऊँगा तो खाने में बनाऊँगा, लेकिन अब जो रूम में पड़ा है उसी को बनाना है दोस्तों, वही बना रहा हूँ। खाना बना लेता हूँ क्योंकि अभी ड्यूटी नहीं गई है, तो कहीं एकदम कन्फर्म है कि एकदम अभी अर्जेंट में फ़ोन आएगा, या लासागल से ही आ रहा, यानी गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करने को ये लोग बोलते हैं, गाड़ी को सैयारा बोलते हैं, स्टार्ट करने को अरबी में सागल। दोस्तों, ये मैं मशीन में अभी यहाँ ये आलू को उबाल रहा हूँ। इधर जग लगा दिया हूँ, इसलिए जग जग लगाया हूँ कि जो पानी निकलता है भाप से तो जग में रहता है तो अच्छा रहता है। दोस्तों दोस्तों मैं, मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं अपना खाना बना लेता हूँ, लेकिन ड्यूटी तो कन्फर्म है लगेगी। कोई टाइम टेबल नहीं है आज की ड्यूटी का मेरा। जो तो टमाटर लगाया हूँ, ये बिल्ला जो बैठा है, ये बिल्ला से बहुत परेशानी है। जो पेड़ लगा है टमाटर का, वहीं पे जाके बैठ जाता है और ये टूट जाता है। ये इसको मैं डेली सीधा करता रहता हूँ, लेकिन ये हम यहाँ पे आके ये बैठ जाता है। बहुत दिक्कत होती है कि मैं पानी चालू कर दूंगा तो कोई नहीं बैठेगा इधर, क्योंकि पानी चलता रहेगा। दोस्तों बहुत परेशानी है इससे। और इधर ये दूसरा वाला ये है, नहीं लगी थी, मेरे पास टाइम था तो मैं खाना बना ले रहा हूँ, ये सब्जी बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं तो सोचा था और कुछ बनाने के लिए, लेकिन जो ड्यूटी नहीं लगी तो मैं मार्केट भी नहीं जा पाया दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। मैं इसमें ये हरी धनिया भी डाल दिया हूँ। दोस्तों, मैं अभी अपने रूम से के बाहर निकला हूँ। मैं अभी खाना भी बना लिया हूँ आराम से, उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश भी हो गया हूँ। अभी तो ड्यूटी का कोई कन्फर्म नहीं है। तकरीबन अगर मेरी ड्यूटी 1 बजे के बाद लगती है तब तो बहुत अच्छा है दोस्तों, नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी आज। दोस्तों, अभी मेरी ड्यूटी लग गई है, तकरीबन 2 बजने वाले हैं। आराम से सुबह से भी तक रूम पे बैठा था, मेरी लाइफ भी बहुत अच्छे से चल गई। लेकिन एक ही चीज़ हुआ कि खाना नहीं खा पाए, बस। कोई बात नहीं है, लाइफ चल गई है। हो सकता है कहीं यहीं नज़दीक जा रहा हूँ, उसके बाद मैं जल्दी आ जाता हूँ, फिर खाना खाएंगे। नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता गाड़ी में रख लिया हूँ, जहाँ पे जाएंगे दोस्तों वहीं पे खाना जो लिए हैं अपना खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे थोड़ा बहुत। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहना, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोग ये घर देखिए, यहाँ पे कितनी अच्छी जो है झाड़ की कटिंग की है, कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, ये वाला एक सामने घर है, ये वाला देखिए, इसमें कितना अच्छा ये नरिया खपड़ा का डिज़ाइन बनाए हैं। और ये जो इधर फूल लगा हुआ है बहुत अच्छा है। ये बड़ा सा मेन गेट ये है दोस्तों, ये गसर है। दोस्तों, मैं इधर मैडम लोग को रोबिन प्लाजा में छोड़ा हूँ, तो मैं इधर पीछे मस्जिद है, इधर चलाया था नमाज़ पढ़ने के लिए, असर का टाइम हो रहा है। उसके बाद में इधर प्यास भी मुझे लगी थी, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो आप लोग को रोबिन प्लाजा के सामने की जो वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों, फोर की भी उतार रहे हैं सतह पर से, इसमें टेंशन नहीं रहता है उतारने में। खान भाई बेचारे अपना सब गाड़ी खड़ी करके नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ता खाना अपना बना रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर में कोई टाइम टेबल तो है नहीं, कोई कहाँ कब चला जाए, कोई
भरोसा नहीं रहता है। तो अभी इधर इधर टाइम मिला तो ये लोग अपना खाना बना रहे हैं, अभी मैं इन लोग से बात करता हूँ कैसा इन लोग का यहाँ पे रहन सहन है और कैसी क्या सैलरी है, क्या बचता है, कितना खर्चा आता है। सलाम वालेकुम खान साहब, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। और क्या नाम है आपका? बाबर। बाबर, बाबर खान। आयो। अच्छा, पाकिस्तान में किधर से हो आप? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से हो। सऊदी अरब में कितना टाइम हो गया आपको? दो साल। दो साल हो गया, ये फर्स्ट सफर है? इससे पहले और कहीं पे थे आप? नहीं, फर्स्ट है। अच्छा अच्छा, तो इधर आप बड़ी गाड़ी में आए हैं, ट्राले में? हाँ, ट्रेला में। अच्छा, तो इसमें क्या कैसा हिसाब किताब है, सैलरी है ठीक ठाक? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ट्रिप का भी है? ट्रिप का भी है। सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धरती पे आए हुए हैं, सबसे अच्छा ये है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये बात आपने कही बहुत सही बात कही। अच्छा, और कैसे चल रहा है काम आपका? हाँ माशाल्लाह बहुत सही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इधर में जो है गाड़ी लेके आए थे, इधर अनलोडिंग की हो? हाँ जी। इधर खा बैठ के खाना बना रहे हो? हाँ जी खाना बना। अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ जी? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है आप लोग के। और पाकिस्तान कहाँ से हो आप? पाकिस्तान लाहौर से है। अच्छा, आप लाहौर से हो? लाहौर से। सऊदी अरब में कितना टाइम हो गया आपको? सऊदी अरब में मेरे को 7 साल हो गया। 7 साल हो गए माशाल्लाह, बहुत टाइम निकाल दिए। बस यार भाई प्रदेश की जिंदगी ऐसी है, क्या करे। तो जब से सऊदी आए हो आप इसी कफील के पास में हो या और कहीं पे? नहीं, इसी एक ही कफील के पास। अच्छा अच्छा, तो इसमें सैलरी है ठीक ठाक, बचाता है, गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इधर खाना बना रहे हो आप? हाँ इधर खाना बना रहे हैं। चलो ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों ये सामने मक्का मदीना रोड है, ये अभी मैं 2 नंबर एग्जिट पे हूँ। और दोस्तों ये यहाँ पे ये नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, ये इधर जरीर, और ये सामने इधर ये रोबिन प्लाजा है, ये जो बिल्डिंग है इसको रोबिन प्लाजा बोलते हैं। दोस्तों मैं इधर सामने छोड़ा हूँ मैडम लोग को। दोस्तों मैं अभी रोबिन प्लाजा से अपने रूम पे आ गया हूँ, अभी तकरीबन 5:30 बज रहा है। मैं यहाँ से गया था, 1:30 बजे गया था दोस्तों, और अभी 5:30 बज रहा है पूरा। और मैं अभी तकरीबन मेरी 15-20 मिनट के बाद ड्यूटी फिर है, फिर एक जा रही है डेंटल क्लिनिक। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ स्पीलिया में, कुछ छोड़ा हूँ डेंटल क्लिनिक में, और एक बहन इधर आई है ये मार्केट में। दोस्तों ये अत्याफ मूल है, तो ये बिल्डिंग है या अत्याफ मूल है, बाकी इसमें छोटी छोटी मार्केट, कई मार्केट है, लुलु मार्केट, ये सब भी है इसमें। फिर मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ। दोस्तों फोन आ चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ 2 नंबर गेट पे, जहाँ वो पहले वहीं पे मैं उसको उतारा था, मैं निकल रहा हूँ 2 नंबर गेट पे दोस्तों। अभी उठा के फिर मुझे यहाँ से डेंटल क्लिनिक जाना पड़ेगा, इसकी छोटी वाली बहन वहीं है जो ऑफिस में नौकरी करती है, वो वहीं पे है, तो उसको अभी मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद में ये लोग कहीं और का प्लान बना लें तो। दोस्तों अभी मैं वहाँ से मार्केट से आके इधर डेंटल क्लिनिक में इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं डेंटल क्लिनिक से निकलने के बाद अभी इधर आ गया हूँ हमरा मॉल में। हमरा मॉल में मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा, कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। ये 6 नंबर गेट है, और अभी मैं लोग को 2 नंबर गेट उतर रहा हूँ, मैं इधर पार्किंग ढूँढ रहा हूँ, पार्किंग मिल जाए। अगर ड्यूटी नहीं होगी सुबह ऑफिस की तो जो लेट निकलेंगी, अगर ड्यूटी होगी तो जल्दी निकल जाएंगी दोस्तों। तो ये मैं बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ मार्केट के जो अंदर का है, क्योंकि अब मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, जब तक पार्किंग नहीं मिल जाती है दोस्तों मैं गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी फाइन दे देते हैं। दोस्तों मैं सुबह 2 बजे से निकला था, 2 बजे से पहले ही एक बार मैं 5 बजे आया था, उसके बाद मैं 5:30 बजे फिर निकल गया था, फिर उसके बाद मैं अभी आ रहा हूँ, ये 11:30 हो रहा है, 11:36। दोस्तों ये है सऊदी अरब की हाउस ड्राइवरी लाइफ। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।